कि तुमने ये मेरे लिए किया। तुमसे ऐसा करने को कहा किसने था कमीने? अब मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। जैसे ही हम निकलेंगे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। सब खत्म। वो डेविल है, नहीं बचेगा। डेंजी का खून बहुत तेजी से बह रहा है, खून कम होते ही उसकी चेनसॉ अंदर चली जाएगी। अब तुम कमजोर हो गए हो, तब तक जिंदा रहोगे चेनसॉ। तुम्हारे खून का स्वाद तो बहुत ही बेकार है, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी ये चीखें सुनने के बाद मुझे ये कड़वा जहर भी स्ट्रॉबेरी जैम लग रहा है। डेविल जिन हंटर से डरते हैं वो होते हैं जिनके दिमाग का पेच ढीला होता है। सहारा सीधा सादा था, इसलिए मारा गया। किनोची, सुबारू और सासाकी भी सभी समझदार थे। उन्हें पता था डर क्या होता है और मौत क्या होती है। उसी डर ने डेविल को शक्तिशाली बना दिया। तुम काफी समय से अकी के साथ काम कर रही हो, क्या लगता है कैसा है वो? वो भी सीधा साधा है? मैं तो उसे सीधा साधा नहीं कहूंगी जो गन डेविल को मारने की कोशिश में हो। तुम भी पब्लिक सेफ्टी में गन डेविल को मारने के लिए शामिल हुई थी ना? तुम्हारा भी कोई पेच ढीला है? ऐसा नहीं है सर। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जैसे ज्यादातर हंटर गन डेविल को मारना चाहते हैं। वो गंभीर है, ईमानदार है, सीधे हैं, और इसका मतलब है डेविल्स को पता है कि उनसे कैसे निपटना है। मगर एक सन की क्या सोचता है इसका पता लगाना मुश्किल है, और डेविल भी उससे डरते हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। आप फिर से बहुत पीने लगे हैं मास्टर। फिर से समझदारी वाली बात कही। पेच ढीला करने के लिए रोज थोड़ी बहुत पी लेता हूं। अगर तुम अब भी हर महीने अपने पार्टनर्स की कब्रें देखने आती हो तो तुम्हारा दिमाग अब भी ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ। अकी नौसिखिया है, उसे खिलाड़ी बनाने का काम तुम्हारा है। हाँ, मैं उसे तैयार करूंगी। नहीं, ये काफी नहीं है। वो लड़का मांस के टुकड़े इकट्ठा करने को लेकर सीरियस है ना? अगर कर लिए तो वो गन डेविल को ढूंढ लेगा। नहीं। अच्छा अकी, तुम मेरे साथ प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहोगे? तुम्हें पता है मुझे काफी बड़ा ऑफर मिला है। गन डेविल को ढूंढने के बजाय हम दोनों एक साथ लंच करने जा सकते हैं, घर जाते हुए रास्ते में फिल्म देख सकते हैं और बहुत मजे कर सकते हैं।
अगर तुम पीने जाना चाहती हो तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में कभी काम नहीं करूंगा। तुम्हारा बादाम टोफू खा रहा हूं मैं। तो फिर मुझे बदले में एक सिगरेट दो। अगर अकी गन डेविल से लड़ा तो ये मारा जाएगा, इसलिए नहीं कि वो एक कमजोर डेविल है, या इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा डेविल है जो पलक झपकते ही हजारों लोगों को मार सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अकी शानदार है, गंभीर है और दिल का साफ है, और ज्यादातर लोगों की तरह आम इंसान है। मगर ये खेल खत्म। मगर वो खेल तो तेरा खत्म होगा, मैं तुझे काटूंगा और तेरा खून बहेगा, फिर वो खून पीकर मुझमें फिर से ताकत आ जाएगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो नोबल प्राइज मेरा है। मैंने कभी किसी इंसान को इससे ज्यादा पागल नहीं देखा। ये वाकई गन डेविल को मार सकता है। तुम अब भी जिंदा हो अकी? कितना वक्त लगेगा और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? शायद तुम्हें चोट लगे 3 दिन हो गए हैं। म्यावी। चलो हम सब बाहर पीने चलते हैं, अब सब खत्म हो गया है, मुझे थोड़ी देर सोना है। डेविल को मार दिया। ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा दिल है, मुझे मार दो, मुझे माफ कर दो, मैं ठीक मानता हूँ, बहुत दुआ है। बस इतना ही दम था? अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था, लग रहा था जैसे मैं पूल में हूँ। हम बाहर आ गए। मैं गन डेविल के मांस का एक टुकड़ा साथ ले आया हूँ। आसमान साफ है और अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस भी कर रहा हूँ, जैसे अभी अभी हल्का होके आया हूँ। संभाल कर, ये तो बेहोश हो गया होगा ही, पूरे समय बिना सोए डेविल से लड़ रहा था। अच्छा, हम अकी और डेंजी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और तुम दोनों यहाँ से निकल कर सीधे ऑफिस जाना। क्या कोई वेलकम पार्टी है? क्योंकि पूरा डिवीजन 4 आखिरकार असेंबल हो चुका है, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और पुराने मसलों को ठीक से सुलझा लेना चाहिए। कैसे मसले? यही कि कोबेनी और आर आई पब्लिक सेफ्टी छोड़ने की सोच रहे हैं। उन्हें ना सिर्फ डेविल्स का डर है बल्कि इस बात का भी अफसोस है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की। तुमने भी तो उसे मारने की कोशिश की थी, है ना? पता है, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। मुझे लगता है वो थोड़ा और साहसी हो सकते हैं। बाहर ड्रिंक्स के दौरान वो डेंजी से पर्सनली माफी मांग सकते हैं और हम उन्हें नौकरी ना छोड़ने के लिए मना लेंगे। तुम्हें तो बस पीने का बहाना चाहिए। छोटा ही सही पर गन डेविल के मांस का टुकड़ा मिल गया। अगर पार्टी करनी है तो इसी हफ्ते करनी होगी। ऐसा क्यों? अगर हम पार्टी कर रहे हैं तो मैं मिस माकिमा को बुलाऊंगा। अगले हफ्ते वो काम के सिलसिले में क्योटो जा रही हैं। इतने सारे डेविल डेंजी के पीछे पड़े हैं, इसी वजह से वो बैकअप ढूंढ रही हैं। तो हमें पार्टी इसी हफ्ते करनी होगी। सच बताना मुझे, तुम्हें क्या लगता है डेंजी क्या है? ऐसा लगा जैसे वो डेविल उसके बारे में पहले से जानता था। उसका ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा।
मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिस माकिमा उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। पहले तो वो इतना घूमा करती थी पर अब